अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से हमेशा की तरह ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं अपने एक असील जो न्यू पेयर लगाया उसका शौक करवाऊंगा, जिसका तल्लुक बशीर कुर्बाना की जो होम ब्रीड से है उससे। हमने पिछले हफ्ते तकरीबन एक पट्टी और एक पट्टा खरीदा, तो जो पट्टी है ना बहुत फुल रेडी है अंडों के लिए, वो ना मुर्गे के साथ पेयर हो रही है, तो उसका आपको शौक करवाऊंगा। और जिस मुर्गे के साथ लगाया उसका शौक करवाऊंगा, जिसे हमने तकरीबन 2-1.5 साल पहले एक बशीर कुर्बाना से जो उसकी ओरिजिनल खलियों वाली जो है वो मुर्गियाँ उनमें से एक पेयर ख़रीदा था, जो उसी पेयर में से एक आगे पट्टा बना हमारे पास, वो हमारे पास मौजूद है। तो ये जो पट्टी तकरीबन पिछले हफ्ते लेकर आए हैं, इस पट्टी को हमने उसी मुर्गे के साथ पेयर कर दिया है कि ताकि आगे ना जो ब्रीडिंग है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आए और जो चिक्स है ना न्यू जो ब्रीडिंग है ना वो थोड़ी सी हट के वो अच्छी हो। तो आपको शौक करवाता हूँ जी फ्रेंड्स। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला हमारा मुर्गा है जो कि बशीर कुर्बाना से हमने तकरीबन 1.5 साल पहले एक पेयर ख़रीदा था, उसमें से आगे ब्रीडिंग की थी। तो ये पट्टा एक ब्रखा है, इसे हमने ब्रीडिंग पर लगा दिया। वैसे एक दो तपनियाँ कराई थी, बहुत ही आला किस्म की तपनियाँ इसने की है। आप इसके कंडे चेक कर सकते हैं, थोड़े से ऊपर हैं। और इसके फेस को मैं आपको शो करवाऊंगा। और ये वाली पट्टी है जो ये पीछे खड़ी है इसके, ये हमने पिछले हफ्ते खरीदी है और फुल जो है ना वो अंडों के लिए तैयार है। ये इसके साथ ही जोड़े हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों तक ये जो अंडे देना शुरू कर देगी। तकरीबन इससे 4-5 दिन तक उम्मीद है कि ये अंडे देना शुरू कर देगी, जो इसने बना ली है। ये आप इसका चेहरा चेक कर सकते हैं, ये देखें थोड़ा सा लंबा चेहरा है, और इसकी आँख आप शो कर सकते हैं। अभी दिन का टाइम है ना, तो इसलिए जो नूर है ना वो ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा आप इसके पर चेक कर सकते हैं, ये देखें और ये मरीज जो इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो वो ब्लड लाइन है ना बशीर कुर्बाना की, कुर्बाना वो थोड़ी थोड़ी नलियाँ इसमें हैं, शायद आपको नज़र आ रही हूँ। इतनी खास नहीं बनी अभी ये पट्टा है, कहते हैं कि बाद में तो आस्ता आस्ता बनेगी, उम्र के लिहाज से बनती हैं। ये आप देख सकते हैं इसके कंडे थोड़े ऊँचे हैं, ऐसे मुर्गे कीलबाज होते हैं ज़्यादा, जो कील खेलते हैं ना कील मारते हैं, ये वैसे कील जो इनके ऊपर होते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमने ये इसे तपनी देखे ना अपने लिहाज से जो है वो पास किया, इसके बाद हमने इसे ब्रीडिंग के लिए रखा। अभी ये ब्रीडिंग के लिए था तो नहीं, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे अच्छा समझ के अपने लिहाज से इसे पास करके मुर्गे और इसी के साथ मैं इस पट्टी का आपको शौक करवाता हूँ, जो कि हमने पिछले हफ्ते बशीर कुर्बाना की जो नलियों खालियों वाली जो है ब्लड लाइन उसी में से ये खरीदी है। तो ये आते ही जो है ना ये पेयर हो गई है पट्टे के साथ। आप इसका पहले चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल अंडों के लिए रेडी है, ये पट्टे के साथ पेयर हो रही है, जोड़े हो रही है। आप इसके चेहरे का शौक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही लंबा चेहरा है, जो कि इसी ब्लड लाइन का सबूत है कि इसी जो आम जो मुर्गियाँ ना इनका चेहरा जो है ना वो बारीक और लंबा होता है। इसकी आँखें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पट्टी है ये। आप इसकी नलियाँ खालियाँ चेक कर सकते हैं, इसमें खालियाँ भी बना रही है, थोड़ी थोड़ी नल खालियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बना जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, शायद वीडियो में नज़र आ रही होंगी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नली है इसकी, लंबी नली है और ब्लैक नली, इसके साथ ही ब्लैक मोरा इसका, ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला क्वालिटी की है। तो इसके साथ अच्छा वाला जो है वो ब्रीडर हमने लगाया ताकि अच्छी ब्लड लाइन मिल सके।